गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सेकंड वीडियो के साथ, और इसमें हम लोग कॉस इन्वर्स एक्स के ग्राफ और उसके डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइन इन्वर्स एक्स के बारे में, और उसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था, उसका डोमेन और रेंज देखा था, और किस तरीके साइन एक्स जो है, साइन एक्स को हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये देखे थे, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि साइन एक्स के नेचुरल डोमेन के लिए, जैसे हर एक नेचुरल डोमेन का मतलब है कि हर एक वैल्यू के लिए साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखा जा सकता है। तो क्यों नहीं लिखा जा सकता, तो प्रीवियस पहले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि साइन एक्स को या तो किसी भी फंक्शन को उसके इनवर्स के फॉर्म में तभी लिख सकते हैं जब वो फंक्शन हमारा जब तो दिया गया फंक्शन जो है वो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो। तो जैसा कि हम लोग देख सकते थे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो नेचुरल डोमेन में वन वन और ऑन टू नहीं होते हैं, वो मेनी वन फंक्शन होते हैं, मीन्स कई अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके डोमेन में रेस्ट्रिक्शन करते हैं, तो और हम लोग उसको वन वन फंक्शन बनाते हैं। और तो हम लोग उसके लिए, उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो साइन है ये साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। जैसे साइन के ग्राफ में माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच जो है साइन एक्स हमारा वो वन वन फंक्शन को होल्ड करता है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन को। अब इस तरीके ये सारे डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में कॉस एक्स के बारे में जानेंगे। वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे और इसके डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे कि क्या कॉस एक्स जो है वो कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो नेचुरल डोमेन में तो नहीं करता है, बात अगर नेचुरल डोमेन की हो, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का ग्राफ ले लिए हैं, तो अगर हम लोग ये ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए जो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू जो पाई बाई टू की वैल्यू है वही थ्री पाई बाई टू की वैल्यू है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई टू की वैल्यू, थ्री पाई बाई टू की वैल्यू, और कॉस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू और माइनस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू सेम है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके फंक्शन के रूप में देखें इसको, तो पाई बाई टू की वैल्यू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। पाई बाई टू लेंगे तो एक्स पाई बाई टू लेंगे, देखिए वाई भी पाई बाई टू जीरो पे ही आ रहा है, और थ्री पाई बाई टू अगर लेंगे कॉस थ्री पाई बाई टू तो इसकी वैल्यू भी जीरो है। तो ये क्या हुआ, ये वन वन फंक्शन हुआ है? नहीं, ये वन वन फंक्शन नहीं, ये मेनी वन फंक्शन हुआ। तो जब ये मेनी वन फंक्शन है तो कॉस एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स एक्स लिख ही नहीं सकते, मीन्स नेचुरल डोमेन में, यहां हम लिख सकते हैं इन द नेचुरल डोमेन कॉस इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेचुरल डोमेन में जिस तरीके साइन जो है साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, साइन का साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करता था, इस तरीके ये कॉस का कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ये मेनी वन फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन हम लोग कॉस का इनवर्स फंक्शन लिख ही नहीं सकते। तो अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे कि इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्शन करेंगे, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में कॉस के कुछ डोमेन के बीच में ये वन वन फंक्शन को होल्ड करता है, सिर्फ कुछ कुछ वैल्यू के बीच में, कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वन वन फंक्शन होल्ड करता है। वन वन फंक्शन मतलब कि एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, एक यूनिक इनपुट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए, तो उसी डोमेन को हम लोग को रेस्ट्रिक्शन करना है, उसी डोमेन का रेस्ट्रिक्शन करना है। तो इस तरीके अगर हम लोग देख लें, वही वैल्यू देखें, तो अगर हम लोग सिंपल सा कॉस एक्स का ग्राफ बना दें यहाँ पर छोटा सा,
अगर हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ बनाए तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके होता है, ये जीरो है तो कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ वन है मान लीजिए, और ये वैल्यू है पाई बाई टू, ये वैल्यू है थ्री पाई बाई टू, और ये वैल्यू है माइनस पाई बाई टू, और ये वैल्यू है माइनस थ्री पाई बाई टू। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कोसाइन फंक्शन, ये कोसाइन फंक्शन का ग्राफ है, और हम लोग क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जो है वही कॉस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू है, और कॉस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जो है वो कॉस माइनस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू है। मीन्स एक ही इनपुट का, सॉरी दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिंगल आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। मीन्स दिस इज द वन वन फंक्शन, मीन्स वी कैन से दैट फॉर द नेचुरल डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन वी कॉस इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, वी रेस्ट्रिक्ट द, नाउ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो अब हम लोग कैसे रेस्ट्रिक्शन करेंगे, देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पे ले लें, ये कॉस पाई है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अब ये वैल्यू देखिए यहां से आज तक जो हम लोग जो हम मोस्ट कलर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये इस वैल्यू के लिए मीन्स जीरो से पाई के लिए ये वन वन फंक्शन को होल्ड कर रहा है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग देखें तो कॉस जीरो की वैल्यू देखिए वन है, अगर हम लोग आगे बढ़े तो जीरो डिग्री मान लेते हैं, इधर आके हम लोग बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं और ये वाई एक्सिस पे बढ़ रहे हैं। कॉस की कुछ अलग वैल्यू के लिए देखिए वाई की कुछ अलग वैल्यू है कि नहीं है, एक्स की अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग वैल्यू है कि नहीं है, एक्स की अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग वैल्यू, एक्स की अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग वैल्यू, एक्स की वैल्यू फिर हम लोग चेंज किए तो वाई की अलग वैल्यू, एक्स की वैल्यू फिर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाए तो वाई की अलग वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे आए पाई पे तो वाई की अलग वैल्यू। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम लोग थोड़ा सा अलग जाए तो फिर यहाँ पे वाई का सेम वैल्यू मिलने लगेगा, यहाँ पे देखिए जो मान लीजिए यहाँ पे कुछ है तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे थी और एक्स की इस वैल्यू के लिए वाई का ये वैल्यू था, मान लेते हैं कि जस्ट इमेजिन यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वैल्यू पी था, तो अगर हम लोग एक्स का यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो ये भी तो यहाँ मिलेगा देखिए यहाँ पे, और ये भी तो पी ही मिलेगा। मीन्स एक्स की दिस वैल्यू के लिए दो अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये फिर से मिनिमम फंक्शन बनने लगा। मीन्स यूनिक इमेज कहाँ तक ही बन रहा है, सिर्फ ग्राफ में देखेंगे तो यहां तक ही बन रहा है, यहां तक ये यहां तक जीरो से लेके पाई तक। जीरो से लेकर पाई तक अगर हम लोग देखें यूनिक इमेज जो बन रहा है वो जीरो से लेके पाई तक ही बन रहा है। मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो कॉस इनवर्स एक्स जो होल्ड करता है, एक कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट इन द इंटरवल जीरो टू पाई, मीन्स इसका जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो जीरो से पाई है। साइन एक्स का इस तरीके हम लोग निकाले थे तो क्या था, जीरो से सॉरी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच था, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसी वैल्यू के लिए साइन को हम लोग साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और इस वैल्यू के लिए जीरो से पाई के लिए हम लोग कॉस को कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और जैसा कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग ग्राफ क्यों बना रहे हैं, और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू के लिए मैं जीरो से पाई बाई टू के लिए ये वन वन फंक्शन होल्ड कर रहा है, इसलिए हम लोग कॉस को कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। और अगर हम लोग ये देखें ये आपके सामने है, जैसे कि द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी शोन इन द टेबल एज फॉलोज, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसका जो नेचुरल डोमेन है वो माइनस वन से वन, और देखिए यहाँ पे जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है। मीन्स हमारा जो वैल्यू आना चाहिए साइन इनवर्स x का वो इसी के बीच आना चाहिए, तभी हमारा आंसर वैलिड होगा, अदरवाइज इट इज इनवैलिड।
कॉस इनवर्स एक्स का जो अभी हम लोग ग्राफ आप लोग को दिखाए, आप लोग को हम आप लोग के सामने फिर से इसको खोल देते हैं। देखिए अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों जीरो से लेके पाई के बीच में ये हम लोग इसका नेचुरल डोमेन लिखते हैं, जीरो से लेके पाई के बीच में। तो इस तरीके ये कॉस कोसाइन कॉस का ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। और मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कॉस का कोई भी वैल्यू आता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली आता है एग्जाम में, तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग देखेंगे कि कॉस की वैल्यू इसी लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए हमारा, जीरो से लेके पाई के बीच में। ठीक इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर के लिए ट्रू होता है, लेकिन जो इसका रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है विद इन ओपन इंटरवल। मीन्स माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे ये मेनी वन फंक्शन को होल्ड करने रहता है। इसका देखिए यही मतलब है, ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे सेम वैल्यू देता है, डोमेन और रेंज की सेम वैल्यू देती है। मीन्स माइनस पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है वही पाई बाई टू की वैल्यू होती है। तो इसलिए जो है हम लोग इसको माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू को छोड़ के जितनी वैल्यू है इसके बीच में ये सबके लिए वन वन फंक्शन होल्ड करता है टेन इनवर्स जो है, इसलिए हम लोग इसके बीच में ही आंसर लिखेंगे। ठीक इसी तरीके हम लोग कॉट इनवर्स एक्स का देख सकते हैं, तो ये इसका जो रेंज होता है वो जीरो से पाई होता है, और सेक इनवर्स एक्स का जो हम लोग देखेंगे तो वो जीरो से पाई होता है। ठीक है ये जीरो से पाई एक्सेप्ट माइनस पाई बाई टू, मीन्स पाई सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो जीरो से लेके पाई के बीच में तो वो मेनी वन फंक्शन को होल्ड करता है लेकिन पाई बाई टू के लिए नहीं करता है, तो जीरो से पाई और माइनस पाई बाई टू लिख दिए। तो इसका रेंज एक्चुअली आप लोग को याद करने लग पड़ेगा, कर लीजिएगा आप लोग। और ये दो दो ग्राफ के थ्रू मैंने बता दिया, पिछले वीडियो में मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पूरा एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में मैंने कॉस इनवर्स एक्स का पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी देख सकते हैं। अगर भाई हम लोग इसको डायरेक्ट इसके नेचुरल डोमेन और रेंज को याद करके और फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल वैल्यू, एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि प्रिंसिपल वैल्यू मान लीजिए कि दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारे एग्जांपल्स और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और उसके मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो फिलहाल हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू देख लेते हैं, देन साइन इनवर्स, देखिए 1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री मीन्स साइन 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं और हम लोग आंसर लिख सकते हैं पाई बाई 6। देखिए जब हम लोग ये आंसर लिखेंगे ना पाई बाई 6, तो हम लोग चेक करेंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज अभी देखिए हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है विद इन अ क्लोज इंटरवल, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं इस स्लाइड में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। हम लोग अपने आंसर को मिलाएंगे, ये पाई बाई 6 से क्या इसके बीच लाई करता है कि नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 30 डिग्री है, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच ये, मींस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इज पाई बाई 6 एंड कॉस इनवर्स रूट 3/2 अगर हम लोग लिखे माइनस रूट 3/2 देन कॉस इनवर्स माइनस कॉस, अब देखिए रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है क्योंकि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। तो जैसा कि हम लोग ये देख सकते हैं कि 30 और 30 सिग्जा 180, तो यहां पे हम लोग माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं
और माइनस पाई बाई सिक्स, फिर वही हम बताएं कि कॉस का डोमेन और रेंज देखेंगे। तो कॉस का डोमेन और रेंज क्या है, देखिए जीरो से पाई के बीच में हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे कि कॉस का जो डोमेन और रेंज है वो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का जीरो से पाई के बीच में है। तो क्या ये देखिए जीरो से पाई के बीच में आता है, जीरो से लेके एक्स वर्सी के बीच ही आता है, माइनस पाई बाई सिक्स तो नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस इंटरवल के इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये नहीं हो सकता। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को कॉस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। ये देखिए कॉस कॉस पाई बाई सिक्स है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में जानना होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग भेज दें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, क्योंकि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो अगर हम लोग इस कॉस को सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज दें तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग कॉस एक माइनस पाई बाई सिक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स, कॉस एक्स कॉस थीटा माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए अब सिक्स पाई सेवन पाई बाई सिक्स। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि क्या इस नेचुरल डोमेन के अंतर्गत आता है। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, सिक्स पाई माइनस पाई मीन्स फाइव पाई बाई सिक्स आएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स का क्या मतलब होता है, सिक्स थर्टी डिग्री और थर्टी वन हंड्रेड फिफ्टी। तो अब ये वैल्यू जो है फाइव पाई बाई सिक्स, ये जीरो से एक सौ अस्सी के बीच तो ही है, मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स। देखिए पहले हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर टू है कि पहले हम लोग ये रूट थ्री बाई टू है, तो रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस फाइव बाई सिक्स की होती है। फिर हम लोग इसको कैंसिल आउट करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माइनस फाइव बाई सिक्स। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसके नेचुरल डोमेन के अंदर ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉस इनवर्स एक्स के नेचुरल डोमेन में। तो कॉस इनवर्स एक्स का नेचुरल डोमेन क्या है, जीरो से पाई है, तो जीरो से पाई के बीच में, जीरो से एक सौ अस्सी के बीच में माइनस पाई बाई सिक्स तो आएगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो से एक सौ अस्सी के बीच लाएंगे। तो कॉस माइनस माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं। फिर कॉस इनवर्स एक्स कॉस कैंसिल आउट, सिक्स पाई माइनस पाई सेवन पाई बाई सिक्स, अब ये सॉरी फाइव पाई बाई सिक्स, और 5 पाई बाई सिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, 150 लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्या हुआ, इस डोमेन के रेंज के अंतर्गत आ गया। तो हम लोग इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई बाई सिक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, 5 पाई बाई सिक्स लिखेंगे। तो इस तरीके ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए ये डोमेन और ये रेंज आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तीसरा वीडियो लेके आएंगे, और उसमें जो है एनसीईआरटी एंड आईएससी बोर्ड के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।